Asaf, just representing everybody's sentiments, we're really enjoying this insightful experience. So thank you. सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छिन जाती है, क्या ये बात सच है? और दूसरा ये कि हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला नाराज है? मेरे ख्याल में ये सवाल आपने गलत आदमी से पूछ लिया। बीबी मेरा रब कहार और जब्बार जरूर है, लेकिन मैंने उसको रहीम और करीम पाया है, तो मैं उसको इंतहाई मेहरबान रब के रेफरेंस से जानता हूँ। मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मेरा रब कभी किसी से नाराज़ हो जाएगा, और अल्लाह माफ़ फरमाए रब किसी से नाराज़ हुआ तो वो बर्बाद हो गया। फिर रब नाराज़ नहीं होता किसी से, हम अपनी हरकतों से रब से दूर हो जाते हैं, वो हमें दूर नहीं करता कभी। ये जो दूर होने का किस्सा है, शायद मैंने आपको कभी पहले बयान किया हो, एक बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में जनाब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब का फरमान ये था कि बायज़ीद की पोजीशन औलिया कराम में वही है जो अंगूठी में नगीने की होती है। चूंकि इल्म के इंतहाई बुलंद मकाम पर थे तो इनके शागिर्द भी उलेमा ही होते थे, आम आदमी की समझ में नहीं आती थी उनकी बात, तो अपने शागिर्दों के साथ जो खुद भी उलेमा में से थे सफ़र कर रहे थे, तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया अपने शागिर्दों पर कि आज मेरा दिल चाहता है कि मैं हिरन के गोश्त के कबाब खाऊं। अब शागिर्द बड़े परेशान हुए कि उस्ताद की ख्वाहिश है और वो पूरी होनी ज़रूरी है, लेकिन आए कहाँ से? तो खामोश हो गए। रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला तो शागिर्दों ने देखा कि राइट साइड से एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके दरमियान आके बैठ गया। उन्होंने पकड़ा, ज़बह किया, उसके कबाब बनाए और शेख की खिदमत में पेश किए कि हजूर आपने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हिरन के गोश्त के कबाब खाना चाहते हैं, तो खुश हो गए। जब खाने लगे तो एकदम से बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि लोगों आज मैं मर्दूद हो गया। तो सभी हैरान हुए कि ये क्या फरमाया। फिर दोबारा यही जुमला इस्तेमाल किया कि लोगों आज मैं मर्दूद हो गया। फिर तीसरी बार जब फरमाया तो शागिर्दों ने कहा कि हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं आप अपने बारे में? फरमाने लगे कि एक बात याद रखो, जब रब ताला किसी इंसान के नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करने लगे तो वो रब से दूर हो गया। हम उल्टा समझते हैं, मैं सो के बड़ी मुश्किल से उठा, तैयार भी सुस्त रवि से हुआ, नतीजा हुआ कि मेरी बस निकल गई। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या था अगर रब बस को लेट कर देता, मतलब एक आदमी के लिए 52 पैसेंजर लेट हो जाएं। अब वो चूँकि लेट नहीं हुई, मेरा मुझसे नाराज़ है कि बस निकल गई मेरी, कसूर मेरा अपना है। रब नाराज नहीं होता किसी से, बड़ा मेहरबान है अल्लाह ताला, मेहरबानी फरमाए कभी रब अपनी कुदरत की एक हल्की सी झलक आपको दिखा दे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर मेहरबान और प्यार करने वाला है, बेपना प्यार करता है।